हेलो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर है ये जॉन मिल्टन सीरीज पर हमारा पांचवा लेक्चर है तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम फिफ्टी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन बड़े प्यार से पिक किया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो डिस्कस्ड कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम किसने डिस्कस किया है कॉस्मोलॉजी को बैटल ऑफ हेवन विद एडम तो अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ हेवन है बैटल ऑफ हेवन विद एडम इसमें नाम लिया जाता है फ्रेंड्स किसका गॉड ईव रफेल और माइकल तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसमें नाम लिया जाता है रफेल का विच सीन्स हैपन फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली कौन सा सीन पहले होता है सेटन एंड द डेबल राइज अप फ्राम द लेक इन हेल लेक सेटन और डेबल्स उठते हैं द स चूजन एज गॉड सेकेंड इन कमांड सन को सेकेंड इन कमांड माना जाता है गॉड एंड सन क्रिएट द यूनिवर्स गॉड एंड सन ने यूनिवर्स को बनाया द एंजल्स बैटल इन हेवन और जो एंजल्स हैं वो हेवन में बैटल करते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा काम होता है द सन इज चूजन एज गॉड सेकेंड इन कमांड सन को गॉड का सेकेंड इन कमांड चूज किया जाता है फ्रेंड्स। फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज निगनेमड द लेडी ऑफ द क्राइस्ट द लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको कहा जाता था अपने आ, डेलिकेट नेचर के कारण सुंदर बालों के कारण लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था कॉलेज में फैलो जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा और डेफिनेटली मिल्टन को ये निकनेम दिया गया था सैमसन अगोनिस्ट क्या है क्लोज ड्रामा कॉमेडी ऑफ मैनर या हेरोइ ड्रामा या फार्स तो क्या है फ्रेंड्स एक क्लोज ड्रामा है क्लोजड ड्रामा जानते हैं जो ड्रामा केवल परफॉर्म करने के लिए नहीं बना जाता जो केवल पढ़ने के पर्पज़ से लिखे जाते हैं ऐसे ड्रामा होते हैं क्लोजड ड्रामा हु हुवनटीन थर्टी फ़ोर मिस्टर मिल्टन इज स्टीम्ड द पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स अमंग अस मिस्टर मिल्टन जो है वो क्या है स्टीम्ड द पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स अमंग एस ये किसका स्टेटमेंट रहा है आइजक वॉल्ट लेविस फिलिप पोलमेन या आई एल ए रिचर्ड्स का तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये जो आइज़क वॉल्ट वॉट्स वा, ने इस बात को कहा था कि मिल्टन इज स्टीम्ड द प्रजेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्ड अमंग अस। सैमसन अगोनिस्ट ड्राज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्राम कहाँ से स्टोरी ली है सैमसन अगोनिस्ट की न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट फेरी ओडिसी तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये ओल्ड टेस्टामेंट से स्टोरी रही है ही इंटरप्रेटेड लॉस्ट एज ए जेन्यन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल एंड आर्ग्यूड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन मिल्टन पोजिशन इन द पोयम सिंस मिल्टन बिलीव दैट गॉड वॉज हिज नेचुरल सुपीरियर कि मिल्टन पोजिशन पोएम में क्या थी मिल्टन बिलीव दैट गॉड वॉज हिज नेचुरल सुपीरियर एंड द चार्ल्स स्टूअल्ट वॉज नॉट हु वॉज ही किसने पेराडाइज लॉस्ट की एक जैनविन क्रिश्चियन मोरलिटी टेल कहकर प्रशंसा की है तो देखिए फ्रेंड्स जेनविन क्रिश्चियन मोरलिटी टेल ये किसने कहा है सी एस, एस, एस लेवस एफ आर लेवस डाउड एन डब्ल्यू जे लॉन्ग तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सी एस लेवस ने ये स्टेटमेंट दिया है उन्होंने इसकी प्रशंसा की है क्रिश्चियन मोरलिटी टेल कह के दैट मिल्टन डिजर्व द क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विग्ड सिंस द गॉड ऑफ़ क्रिश्चियनिटी इज विग्ड गॉड कि मिल्टन को क्रेडिट जाता है गॉड को विग्ड बनाने के लिए क्योंकि जो गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी है वो एक विग्ड गॉड है विलियम एम्पसन एफ आर लेविस आई ये रिचर्ड या पी बी शैली तो देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये एम्पसन ने इस बात को कहा वन द असाल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी इज़ अ सोनेट बाय किसकी की सोनेट है चूँकि बात अभी मिल्टन की कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये मिल्टन की सोनेट है क्लियर फ्रेंड्स मुझे लगता है सोलह सौ चालीस या बयालीस के आसपास ये सोनेट आई होगी इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द दे डबल्स एडवोकेट पिकेनो करेक्टर इज नेम्ड आफ्टर पिकेनो का नाम जो करेक्टर है वो किसके नाम पे दिया गया वो जॉन मिल्टन के नाम पे दिया गया था फ्रेंड्स मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज ऑफ ग्रीक प्रिफेस टू मिल्टन ने डिफाइंड किए हैं अपने व्यूज ऑफ ग्रीक प्रिफेस टू किसमें दिए हैं फ्रेंड्स पेडाइज लॉस्ट समसन अगोनिस्ट रेगेंड या लाइसी डेफिनेटली फ्रेंड्स ये पेडाइज रिगेंड नो 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 पेडाइज रिगेंड में नहीं फ्रेंड्स ये जो व्यूज रहे हैं वो सैमसन अगोनिस्ट को लेकर रहे हैं क्लियर फ्रेंड्स डिफाइंड ऑफ प्रीफेस टू सैमसन अगोनिस्ट सैमसन अगोनिस्ट के प्रीफेस में वॉट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन अगोनिस्ट क्या है वर्स प्ले लिरिकल ड्रामा शॉर्ट स्टोरी यही पिक तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये एक वर्स प्ले है रोड द हुटिकल वर्क क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू एडन फाइव एस ऑन मिल्टन ई पिक्स क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू एडन किसने लिखा और फाइव एस टू मिल्टन ईपिक टी एस इलियर रिचर्ड नॉर्थ ऑफ फायर या एफ आर डेविस तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये जो नॉर्थ ऑफ फायर है फायर का वर्क रहा है द रिटर्न ऑफ ईडन आगे बढ़ते हैं हूँ सैड टू मिल्टन किसने मिल्टन को कहा हैस्ट सैड मच ही और पेडाइज लॉस्ट किशन आ गया किसने कहा है कि आपने पेडाइज लॉस्ट के बारे में कह दिया लेकिन पेडाइज रिगेंड के बारे में कब कहेंगे क्या है तो एलवुड ने कहा उनके फ्रेंड ने लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखी सेमुल जॉनसन या डॉक्टर जॉनसन जिनको कहा जाता है उन्होंने लिखी ऑन द टाइटल पेज मिल्टन रोड दैट द पीस वॉज अ ड्रामेटिक पोएम इन स्टीड ऑफ बींग ड्रामा कि ये एक ड्रामेटिक पोएम है एक ड्रामा नहीं है तो डेफिनेटली फ्रेंड सेमसन अगोनिस्ट की यहाँ बात हुई है सेमसन अगोनिस्ट को लेकर उन्होंने कहा इन राइटिंग अ पोएम मिल्टन इन चूजिंग द करेक्टर ऑफ सैमसन इज एज हिज हीरो also was also illustrating his own blindness which afflicted him in his later life this poem was कौन से पोएम की बात हुई है यहाँ सैमसन एज ए हीरो अगर यहाँ बात करें तो सैमसन अगोनिस्ट की बात हो रही है नो डाउट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये क्या है फ्रेंड्स सोन एट ऑड मास्क पेस्टोरल इलेजी तो ये क्या है फ्रेंड्स ये तो ओड है एक क्लियर क्राइस्ट इनकारनेशन को उन्होंने बताया है इस ओर्ड में और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मिल्टन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन कौन सा मिल्टन का वर्क है नोवम ऑर्गेनम डी डॉक्ट्राइना के कश्चाइना एंडाइमियॉन और प्रोथलमियोन डी डॉक्टराइना कश्चाइना क्लियर फ्रेंड्स एक लेटिल मेनूस्क्रिप्ट है जो मिल्टन को एक्टिव्यूट थी द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव कॉल्स ऑफ इन प्लीजिंग कॉन एंड नॉट वेड लॉक ट्रेचरी ये लाइन कहाँ से ली गई हैं कि लव कॉल्स ऑफ इन प्लीजिंग कॉन्ड्स एंड नॉट वेडलॉक ट्रेचरी कि लव के जो झगड़े होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं प्लीजिंग कंकॉल्ड होते हैं और वेडलॉक ट्रेचरी नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लाइन मेरे विचार से कॉमर्स से आई है चलिए आगे बढ़ जाते हैं द फलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्राम फॉर ईवल न्यूज राइट्स पोस्ट वाइल्ड गुड न्यूज बेट्स फॉर ईवल न्यूज राइट पोस्ट वाइल गुड न्यूज़ बेट्स अच्छा तो ये कहाँ से आई है लाइन फ्रेंड्स सैमसन अगोनिस्ट लाइसिडास ये सैमसन की लाइन है फ्रेंड्स एट वॉट एज किस एज पे मिल्टन ने ये और लिखी थी और डेफिनेटली फ्रेंड्स जब वो कितने इक्कीस साल के थे मिल्टन सॉनेट व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ये सोनेट है जिसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है तो ये तो फ्रेंड्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस से जानी जाती है और फर्स्ट लाइन ये रही है व्हेन आई कंसीडर हाउ माइट हाउ माय लाइफ इज स्पेंट तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन ने खुद ने टाइटल नहीं दिया बल्कि जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने टाइटल ये दे दिया था ऑनइज ब्लाइंडनेस पेटरारकन सोनेट है राइमिंग स्कीम क्या है पेटरारकन की तो ए बी बी ए बी बी ए ए बी बी है ए बी बी है और सी डी ई और सी डी ई कलिए फ्रेंड्स तो सी डी ई 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 नहीं ये भी नहीं है फ्रेंड्स ए बी बी ए बी बी है सी डी ई सी डी सी नहीं है सी डी सी सी डी नहीं ये वाला ऑप्शन हो गया और इसमें भी फ्रेंड्स सी डी ई सी डी ई ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी क्लियर तो चलिए स्कीम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पेट्रार्कन की इटालियन की सब की और इंग्लिश की क्लियर फ्रेंड्स पेट्रार्कन इटालियन तो एक ही है वन सेटन लीब्स ओवर द फैंस इंटू पैराडाइज वॉट डज मिल्टन लाइकन हिम टू कि जब सेटन लीब्स ओवर द फेंस इन टू पैराडाइज जब पैराडाइज में कूद जाता है तब मिल्टन ने क्या किया है किससे लाइकन किया है उसको स्नैक स्लाइड रिंग अपॉन ट्री अ जर्म इन्फेक्टिंग अ बॉडी अ वॉल्फ लीपिंग इन टू सीप्स पहनाएं और अ फिश लीपिंग आउट ऑफ वाटर अ वॉल्फ लीपिंग इन टू अ सी बना है ये सी वाला ऑप्शन ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि एक वॉल्फ से उन्होंने कंपेयर किया है उसको विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक इलेवेंथ एंड बुक ट्वेल्थ एडम विच एंजल्स टेल एडम अबाउट द फ्यूचर कौन एडम कोल्स के फ्यूचर के बारे में बताता है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स रफेल यूरेलियम माइकल तो माइकल बताता है इस बात को स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन सैमसन अगोनिस्ट इन आर्ग्यूमेंट विद मैन एंड वुमे विद मैन एंड वूमन एवर गोज बाई दर्स वॉट एवर बी हर काज कि जब बहस होती है आदमी की महिला से तो वो खराब ही होती है चाहे वो किसी भी काज के लिए हो उसका कारण कुछ भी हो तो सैमसन डेलीला मैनो हरपैर हर, तो डेलीला की ये लाइन है फ्रेंड्स डेलीला इस बात को कहती है फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इफ़ नॉट डबल फेस्ड इज डबल माउथेड फेम अगर वो डबल फेज नहीं है तो डबल माउथड होती है किसने कहा है इस लाइन को से तो यह भी सैमसंग की लाइन है फ्रेंड्स हु सेड दैट पैराडाइज रिगेंड इज प्रैक्टिकली स्वी जनरस प्रैक्टिकली स्वी जें कहा है किसको कहा है पैराडाइज रिगेंड को इन इट्स पोएटिक एग्जीक्यूशन टी एस एलियट चार्ल फायर और लेविस तो नॉर्थ ऑफ फायर ने कहा है पेडाइज डिकोन को प्रैक्टिकली सुई और सुई फ्रेंड्स फॉरन वर्ड एक्सप्रेशन है ज़रा मीनिंग मुझे बताना क्या है इसका सुई हालांकि हालाँकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक बार हु रोट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न ऑफ रिटर्न टू एडन अभी आया था क्वेश्चन फ्रेंड्स ये तो डेफिनेटली ये नॉर्थ ऑफ फायर का वर्क है Which form does Milton draw from the rhyming scheme of the prelude? Which form does Milton draw from in the rhyming scheme of the prelude? Friend, question is Which form does Milton draw from in rhyming scheme of the prelude? कैजोन सोनेट लिरिक नहीं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्लियर नहीं है या तो टाइपिंग एरर है या क्वेश्चन ही गलत है चलिए आगे बढ़ते हैं द मज़ार्टी ऑफ अल एगर इन किस में लिखी है कपलेट लिरिक सोनेट या वॉट राइमा अल एलिग्रो की बात करें तो ज़्यादातर वो किस में लिखा गया है कपलेट में लिखा गया है हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज कौन एडम ऑफ ईव को पैराडाइज से बाहर ले जाता है गॉड द सन माइकल या राफेल तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कौन है ये माइकल है क्लियर चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन शॉर्ट भी हो गया ये एक चलिए च ऑफ़ द फॉलोइंग पोट्स डज मिल्टन इम्यूलेट मिल्टन ने किसको एम्यूलेट किया है वर्जिल होमर या दोनों या किसी को नहीं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स मिल्टन पर दोनों का प्रभाव पड़ा है प्रभाव देखा गया है वर्जिल का भी और होमर का भी विच लेटर वर्क वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुसड बाई द स्पीकर इन एल एलिगरो कौन सा वर्क जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुन्स्ड है स्पीकर से इन एल एलिगरो में एरोपेजिटिका ऑन शेक्सपियर कॉमर्स या ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कॉमर्स है कॉमर्स की हम बात हो रही है ड्यूरिंग द रेनसा पीपल एसोसिएटेड मैलन विद पीपल मैलनकली से एसोसिएट थे लाइफ ऑफ जॉय बिजनेस फस्टिवल आर्टिस्टिक टेम्परामेंट तो आर्टिस्टिक टेम्परामेंट को लेकर द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज क्या है थीम टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन मैंस गोइंग टू हेल सेटन्स प्रेवरी मैंस रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड तो किसकी बात है फ्रेंड्स टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन ये थीम रही है पैराडाइज लॉस्ट की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है एग्जाम में एक बार किसने कहा मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड आर्नोल्ड नोल्ड वर्ल्ड ग्रे या टेनिसन तो डेफिनेटली फ्रेंड्स टेनिसन ने कहा है एक पोएम रही है टेनिसन की और पोएम का टाइटल रहा है मिल्टन इसमें उन्होंने इस बात को कहा है वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मिल्टन इज ए प्रोज वर्क प्रोज वर्क कौन सा है लाइसिडास पेडाइज रिगेन पेराडाइज लॉस्ट एरोपेजिटिका तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कौन सा है सिंपल सा क्वेश्चन है एरोपेजिटिका एक प्रोज वर्क रहा है जिसमें उन उन्होंने अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग जो है प्रिंटिंग पर जो लिबर्टी की बात उन्होंने की है प्रिंटिंग प्रेस पर यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ प्रेस और जो सेंसरशिप थी उसका विरोध इन्होंने किया है मिल्टन पोएट्री इज अ मिरर एक मिरर है मिल्टन की पोएट्री इन विच द राइटर्स करेक्टर इज वेरी वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड जिसमें राइटर का जो करेक्टर है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाता है किसने इस स्टेटमेंट को कहा वेरिटी वर, मैकमिलन पैटिसन या बुश तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट तो मैकमिलन का रहा है मिल्टन को लेके और अलोन इन इंग्लिश पोएट्स अलोन इन इंग्लिश आर्ट मिल्टन हैज़ इट ही इज आर ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल एंड आर फर्स्ट रेट मास्टर इन ग्रैंड स्टाइल देखो मिल्टन को ग्रेट आर्टिस्ट और फर्स्ट रेट मास्टर दो वर्ड याद रख लें इनसे याद हो जाएगा आपको क्वेश्चन मैथियो नॉल्ड वर्ड्स वर्थ डॉक्टर जॉनसन या ड्राइडन देखिए क्लोजली रिजम्बलिंग कर रहे हैं ऑप्शन बी और डेफिनेटली फ्रेंड्स फर्स्ट रेट मास्टर की बात करें ग्रैंड स्टाइल को लेकर तो ये जो कमेंट किया है ये मैथियो ने किया ये वाला ऑप्शन आपका ओके okay हो गया मिल्टन डिस्क्राइब्स सैमसन बींग आइलेस इन गाजा क्लियर इन फ्रीज दैट हैज बिकम द मोस्ट कोटेड लाइन ऑफ एगोनिस्ट आइलेस इन गाजा विच नावलिस्ट यूज इज एट द टाइटल एटीन थर्टी सिक्स नावल गाज़ा अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आईलस इन गाज़ा एक टाइटल रहा है नावल का किसके नावल का रहा है टॉम स्टॉपर्ड अडोलस हक्सले जॉर्ज औरवल या टोनी मॉरिसन तो याद कीजिए फ्रेंड्स इनमें से कोई ऑथर याद हो या उसका नावल याद हो जो आईलस इन गाज़ा के नाम से टाइटल जिसका रहा है चलिए नहीं है तो मैं बता देता हूँ ये एडोलस हक्सले था हक्सले ने फ्रेंड्स ये नॉवल लिखा था आई इन गाजा मिल्टन यूज कोरस इन द इन हिज क्लोज ड्रामा कोरस कौन से क्लोज ड्रामा में इन्होंने यूज़ की है सैमसन कॉमर्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन या टेटरा कॉर्डन तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये सैमसन अगोनिस्ट में उन्होंने कोरस यूज़ की है और आगे बात करें मिल्टन पेडाइज लॉस्ट क्या है हैज़ नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट इट्स नोटेबल फॉर इज ऑटोबोग्राफिकल पेसेज इट्स क्वाइट ऑब्जेक्टिव हैज़ नन ऑफ क्वालिटीज तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर बात हो रही है पेटाइज लॉस्ट की तो ऑटोबोग्राफिकल एलिमेंट्स की बात भी है भाई ऑटोबोग्राफिकल पैसेज बहुत सारे मिलते हैं और ब्लैंक वर्स में लिखा गया क्लियर ग्रैंड इपिक है नो डाउट चलिए आगे बढ़ जाते हैं ऑफ मिल्टन हैज़ अकॉर्डिंग टू टॉमस कॉन्स जनरली बीन रिकॉग्नाइज्ड एड मिल्टन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पोइटिक जीनियस एंड क्वालिटेटिवली पोएम टू बी सेट अलॉन्ग साइड एंड अ मास्क टेड एट लर्ड लोक 1634 सिक्सटीन थर्टी फोर एज हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएटिक वर्क बिफोर पेराडाइज लॉस्ट तो कौन सी पोएम की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ऑन शेक्सपियर ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री एल एलिग्रो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी की बात हो रही है फ्रेंड्स क्लियर यानी पैराडाइज वर्क लॉस्ट से पहले एक मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ही बट ही दो ब्लाइंड ऑफ साइट डिस्पाइज एंड दो एक्सटिंग ब्लाइंड ऑफ साइट डिस्पाइज की बात है तो कॉमर्स लाइसिडास पैराडाइज लॉस्ट सैमसन तो सैमसन एगोनिस्ट से ये लाइन ली गई है क्लियर कट हमें पता लग रहा है फ्रेंड्स और लाइफ ऑफ मिल्टन की बात करें तो डॉक्टर जॉनसन का एक वर्क रही है यानी सेमुअल जॉनसन का वर्क अ नोट ऑन द वर्ड ऑफ जॉन मिल्टन प्रेजिंग जॉन मिल्टन किसने लिखा जॉन मिल्टन को लेकर किसने लिखा फ्रेंड्स जरा देख लेते हैं नॉट ऑन दर्स ऑफ जॉन मिल्टन डेफिनेटली फ्रेंड्स टी एस एलियट रिन्सम ट्रेटे और लेविस तो टी एस एलियट का ये वर्क रहा है वो कंप्लेन दैट मिल्टन ईपिक वर्स लीकड अर्नस्ट फीलिंग एंड वॉज स्टेफ एंड टॉर्चुअस ऊपर भी शायद क्वेश्चन ये आया है फ्रेंड्स मुझे लग रहा है टी एस एलियट का ही ये रिमार्क रहा है टी एस एलियट ने ही कहा है मिल्टन का जो ईपिक है उसमें अर्नेस्ट फीलिंग की कमी है अर्नेस्ट फीलिंग नहीं है और वो स्टिफ है एंड टॉर्चोस है इन विच वर्क ऑफ मिल्टन वी कम अक्रॉस डिबॉज कॉमस अ करेक्टर इंस्पायर्ड बाय द गॉड ऑफ रेवलरी तो कॉमस किस में रहा है करेक्टर फ्रेंड्स डेफिनेटली आंसर भी आपको पता है कॉमस जो मास्क थी उसका ये एक करेक्टर रहा है डिवास्ट कॉमस क्लियर फ्रेंड्स तो 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आई होप एंजॉय कर रहे होंगे मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में मिल्टन को सीखने में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ एक कलेक्शन आपको मिल रहा है तो चलिए फ्रेंड्स एन्जॉय करते रहिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ने लेक्चर में नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो